दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ हैं आईटीओ के चौक पर। मंत्री जी, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? नहीं, बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है और अभी तक मैं लगभग 1.5 घंटे से सड़कों पे हूँ, अलग अलग जगह। कंप्लायंस बिल्कुल नजर आ रहा है। दिल्ली वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली वासियों को ऑपरेशन मिल रहा है, बाकी सरकारों को ऑपरेशन की कोई कॉल आई है पराली के धुएं पर? बाकी सरकारें अभी मुझे लगता नहीं उनको कोई चिंता है इस विषय पे जी। लेकिन उम्मीद करता हूँ, अपील कर रहा हूँ एज अ ट्रांसपोर्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट दे शुड टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स जिससे कि स्टबल बर्निंग कम हो। थैंक यू सो मच। तो दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इस वक्त हमारे साथ थे और उन्होंने बताया किस तरीके से दिल्ली में जो है इस वक्त ऑड इवन का रूल जो है वो स्टार्ट हो गया है और कैसा रिस्पांस मिल रहा है। ये देखिए, यहाँ पर तख्तियाँ लगी हुई हैं, ऑड इवन का पालन करें, प्रदूषण दूर करें, ऐसा संदेश जो है सड़कों पर दिया जा रहा है। ये वॉलंटियर्स हैं और दिल्ली सरकार के साथ इन्वॉल्व हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्या माहौल इस वक्त आईटीओ जो व्यस्ततम चौराहा है वहाँ पर बना हुआ है। ट्रैफिक तैनात है, ट्रैफिक पुलिस तैनात है और जो है सारे रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन किया जाए इस ऑड इवन के दौर के दौरान, इसका ध्यान रखा जा रहा है। आपको बता दें कि ऑड इवन का रूल जो है वो 4 से 15 तारीख तक रहेगा। और ऑड इवन रूल क्या कहता है कि जो जिस दिन ऑड डेज होंगे उस दिन आपको ऑड नंबर की गाड़ियां लेकर निकलना है, ऑड नंबर की गाड़ियां ही अलाउड होंगी यहां पर दिल्ली की सड़कों पर। और जब इवन डेज होंगे तो फिर इवन नंबर्स की गाड़ियां ही यहां पर दिल्ली की सड़कों पर नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जो हैं वो विचर सकेंगे। आप देख सकते हैं कि टू व्हीलर्स जो हैं वो एग्जम्प्टेड हैं, इस रूल के अंदर नहीं आते। और जो ओला और उबर है उनके लिए भी दिल्ली सरकार का निर्देश है कि इस तरीके से सर्च प्राइस जो एकदम से प्राइस बढ़ जाते हैं टैक्सी के, वो नहीं बढ़ने चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि कई लोगों के यहाँ पर चालान कटे हैं और वो इस चालान कटने को लेकर थोड़ा चिंतित भी नज़र आए कि ये चालान क्यों कटा है। उन्होंने अपने आप को इस पूरी जानकारी से जो है अनभिज्ञ बताया। वो कह रहे थे कि जानकारी नहीं है, लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से सरकार की तरफ से कैंपेनिंग चलाई जा रही है। हालांकि विपक्ष जो है इसको लेकर सवाल उठा रहा है। विपक्ष की तरफ से, बीजेपी की तरफ से विजय गोयल कह रहे हैं कि वो दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे और इस रूल के खिलाफ, इस नए रूल के खिलाफ वो अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दिल्ली की सड़कों पर ऑड इवन का जो रूल है इसके अप्लाई होने के बाद सिर्फ इवन नंबर की गाड़ियाँ, आप देखिए आज 4 तारीख है, सिर्फ इवन नंबर की गाड़ियाँ जो हैं वो नज़र आ रही हैं। ये बस है, ऐसी बहुत सारी बसेस दिल्ली सरकार ने भी हायर की हैं। ये नॉन ये जो है ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, ये दिल्ली सरकार की बसें हैं या फिर क्लस्टर बसें हैं या फिर इसके अलावा जो दिल्ली सरकार ने कुछ बसें हायर की हैं ये वो सब बसें हैं। बाकी जो नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, मतलब जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं, प्राइवेट गाड़ियां हैं, उसमें सिर्फ इवन नंबर ही अलाउड है क्योंकि आज 4 तारीख है। और बाकी सभी जो गाड़ियां, जैसे ये एक गाड़ी है, ये भी ये टूरिस्ट व्हीकल है और ये नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं है। ये DTC, ये देखिए DTC ने ये बसें जो हैं हायर कर रखी हैं। इस तरीके की बसें जो हैं सड़कों पर घूम रही हैं और ये जो है इस वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हिस्सा बनी हुई हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो इस वक्त ऑड इवन की वजह से लोग इवन नंबर की या फिर ऑड नंबर की गाड़ियां अब उस दिनों के हिसाब से नहीं लेकर आ पा रहे। टू व्हीलर्स देखिए इस रूल में जो है वो इंक्लूड नहीं है, एग्जम्प्टेड है। लेकिन दिल्ली के व्यस्ततम आईटीओ चौक पर आप देख रहे हैं, आप उधर देखिए ट्रांसपोर्ट मंत्री जो हैं वो लेकर निकले हैं तख्ती, अपने हाथों में लेकर तख्ती लेकर निकले हैं और वो संदेश दे रहे हैं ट्रांसपोर्ट मंत्री कि ऑड इवन का पालन करना है, ऑड इवन का पालन करना है। ये दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री जो हैं वो संदेश दे रहे हैं कि ऑड इवन का पालन करना है। ये संदेश दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री दे रहे हैं।